हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के विस्की वेंसडे में हम कर रहे हैं रिव्यू हमारी फर्स्ट एवर जापानीज विस्की निका फ्रॉम द बैरल। बहुत ही पॉपुलर एंड सॉट आफ्टर विस्की है, एंड आई थिंक एक प्राइस पोजीशन होगी किसी के लिए भी। अनफॉर्चुनेटली मेरी बॉटल नहीं है ये, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैं जिनके घर पर हूँ उनकी बॉटल है, बट थैंकफुली उन्होंने मुझे यूज़ करने दी है बॉटल रिव्यू बनाने के लिए। और दोस्तों, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट एवर जापानीज विस्की है, आई थिंक इट मेक्स सेंस कि हम एक छोटा सा हिस्ट्री टूर लें जापानीज विस्की को लेकर और क्यों जापानीज विस्की को इतना ज़्यादा प्रीमियम माना जाता है। दोस्तों, जापान में दो सबसे ज़्यादा फेमस डिस्टिलरीज हैं। पहली है सेंटोरी, जहाँ से यामाज़ाकी और हिबिकी जैसी बहुत ही फेमस विस्कीज आती है, और दूसरी है निका, जहाँ से ये विस्की आई है निका फ्रॉम द बैरल। और जापान में विस्की का कल्चर लाने का जो श्रेय है वो जाता है शिंजीरो टोरी और मासाटाका टाकेत्सुरू को। टोरी चाहते थे कि जापान में ऐसी विस्की बनाई जाए जो स्कॉच विस्की को अच्छे से कम्पीट कर सके, और उसके लिए उन्होंने अपनी खुद की डिस्टिलरी बनाई, यामाज़ाकी डिस्टिलरी, और उसमें उन्होंने हायर किया टोरी को, जो कि स्कॉटलैंड में विस्की बनाने का जो आर्ट है उसे स्टडी कर चुके थे, काफ़ी पैशनेटली फॉलो करते थे विस्की मेकिंग को, और दोनों के जो ख्याल थे, जो थॉट्स थे, मैच करते थे। दोनों ही चाहते थे कि एक अच्छी विस्की बनाई जाए, विस्की मेकिंग को सिर्फ एक काम की तरह नहीं, एक आर्ट की तरह सोचते थे। और यही देखने को मिला उनकी विस्की से, जो भी विस्की वो बनाते थे उसमें एक आर्ट नज़र आता था। और 1934 में मासाटाका ने यामाज़ाकी डिस्टिलरी छोड़ के अपनी खुद की डिस्टिलरी शुरू करी, जिसे आज हम जानते हैं निका के नाम से, और वहीं से आई है ये विस्की। और ये विस्की जो है निका फ्रॉम द बैरल, ये एक ब्लेंडेड विस्की है, तो सिंगल मॉल्ट और ग्रेन दोनों ही तरह की विस्की यूज़ करी गई हैं इसमें। और अल्कोहल परसेंटेज है इसकी 51.4% एज़ कम्पेयर टू अदर विस्कीज़ जो हम ख़रीदते हैं, जो 40-43% अल्कोहल परसेंटेज के साथ आती हैं, तो एक एक्स्ट्रा पंच है इस विस्की में। प्राइस कहना थोड़ा मुश्किल है इसका, क्योंकि दिल्ली में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है विस्की। ड्यूटी फ्री से शायद आपको इसकी बॉटल 4800 तक की मिल सकती है, बट बहुत ही रेयरली अवेलेबल होती है ये बॉटल। जैसे मैंने बताया कि एक प्राइस पोजेशन है ये विस्की की बॉटल, तो प्राइस आई थिंक इररेलेवेंट है, क्योंकि इसकी बॉटल मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑल्सो ये जो बॉटल आपको मिलेगी इस विस्की की, ये 750 ml की नहीं होती, 1 लीटर की भी नहीं होती, ये होती है 500 ml की, तो इतने में आपको आधे लीटर की बॉटल मिल रही है। बट बिकॉज इसकी अल्कोहल परसेंटेज 51% है, सो इट मेक्स अप फॉर दैट लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिव्यू प्रोसेस। पोर करता हूँ मैं इसे अपने ब्रांड न्यू ग्लेनकेन ग्लास में और चेक करते हैं कि आखिर क्या बात है इस जापानीज़ व्हिस्की में। चलिए नोजिंग करते हैं पहले इस व्हिस्की की। काफी बोल्ड नोट्स हैं इसके, स्पाइसी फ्रूटीनेस है, हल्का हल्का वुड आ रहा है मुझे, ओक वुड अच्छा आ रहा है, ड्राई फ्रूट्स रेजिन्स जैसे नोट्स आ रहे हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट, कैरमल एंड पेपर, ड्राई फ्रूट्स हैं, मैं बोलूँगा एक तरफ ऑलमोस्ट चिली जैसा बर्न है इसमें, बिकॉज एक्स्ट्रा अल्कोहल जो है, बट कहीं से भी हार्श नहीं है उसकी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी लिंगरिंग आफ्टर टेस्ट है इसका। ड्राई फ्रूट्स जैसे मुझे नोट्स आ रहे हैं टेस्ट में, बहुत ही सूदिंग और वॉर्म इसका
आफ्टर टेस्ट है, बहुत ही अच्छा कोटिंग करती है आपके माउथ में। आई थिंक ऐसी बहुत सी विस्कीज होंगी जो आपको एक सिमिलर टेस्ट देंगी, बट इस विस्की में सिर्फ टेस्ट नहीं होता, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। हो सकता है आपको इस विस्की का जो टेस्ट है ओवरवेलम कर दे। आई वुड से कि इट्स समवेयर क्लोज टू पॉल जॉन ब्रिलियंस जो मैंने टेस्ट करी थी, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द हाई अल्कोहल वॉल्यूम। बट आई थिंक एक 51.4% अल्कोहल होने के बावजूद जो डेलिकेसी है इस विस्की में, आई वुड से शायद ही मैंने आज तक किसी और विस्की में देखी होगी। मेरे पास अगर ये विस्की की बॉटल होगी तो डेफिनेटली मैं इसे इतना रेगुलरली नहीं पीऊँगा, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ कलेक्शन विस्की, इट्स नॉट अ विस्की जो आप इतना रेगुलरली पियेंगे, क्योंकि इतने आराम से मिलती भी नहीं है आज की डेट में। बट इफ़ यू एवर गेट अ चांस एंड इफ योर पॉकेट अलाउज, डोंट मिस आउट अ बॉटल ऑफ दिस विस्की। अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की, आई थिंक थोड़ा मुश्किल है इसे स्कोर देना, बट बिकॉज नाउ काफ़ी मैंने विस्कीज ट्राई करी हैं एंड इट इज़ अ ब्रिलियंट विस्की, नो डाउट। सो टेस्ट के हिसाब से इस विस्की को मैं दूंगा आई वुड से 9.6 out of 10। और जहाँ बात आती है वैल्यू फॉर मनी की, आई थिंक थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम एक विस्की का प्राइस सिर्फ उसकी डिमांड की वजह से नहीं होता, उसकी रेयरिटी की वजह से भी होता है, क्योंकि कितनी विस्की बनाई जाती है। एंड आई थिंक विद जैपनीज विस्कीज लाइक निका एंड यामाज़ाकी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिमांड, इट्स अबाउट द रेयरिटी, क्योंकि वो इतनी विस्कीज बनाते ही नहीं है। सो बट स्टिल आई वुड से इट्स नॉट अ बैड प्राइस फॉर सच एन अमेजिंग विस्की, थोड़ा सा ज़्यादा है ऑब्वियसली। सो आई विल गिव इट 8 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी। तो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 8.8 out of 10। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो निका फ्रॉम द बैरल विस्की के ऊपर। कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।